सॉरी सर, भैया ये क्या हो रहा है घर में? होटल अब ये तो तू बता ना क्या हो रहा है? तेरे मेहमान की वजह से, इस कुत्ते की वजह से हैं घर में बार बार नेमा परिवार को मुझे नौकरी निकालने की धमकी दे रही है वो। बोले भैया और मेरी नौकरी की चिंता नहीं है आपको? अबे तेरी क्या आएगी नौकरी, फिर लग जाएगी तेरी। अबे भैया कम से कम तुम तो कुत्तों के, कम से कम तुम तो कुत्तों की तरह मत जाओ है? चलो जी, चलो चलो, ये लोग भी गए अंदर। यहाँ से ये इधर से आए ये दोनों जन आ गए। कोयल बोली ये तो आ गए लेकिन साथ में किसको लेके आए? ये ललिता जोर से चिल्लाती है, अरे कुत्ते को छोड़ूंगी नहीं मैं, मैं कुत्ते का खून पी जाऊंगा। चाहिए अब लोग जाके गिरी उधर गिर के जाइए। ये भी कहना ये कहाँ थी? पहले भूपेश जी, फिर वो रश्मि जी, फिर कुछ सब गिर गया। अभी बादाम थोड़े कम कर लो। चुही उधर से बोली दीदी ये तो कोई खतरनाक औरत लगती है। जैसे ये बोले बाबूजी बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, कैसी कितनी बेहतरीन बातें करती हैं आप। बाबूजी बोले मामा जी पहले ये, नेमा जी पहले ये बताइए कि कहाँ थे आप और ये मोहतरमा आपके साथ कौन है? इधर से बोलते हैं ये है ललिता, असल में गंगा घाट पे जब हम डुबकी लगा के निकले तो मुझे ये अबला दिखी, अब इनकी याददाश्त चली गई है तो ये कहीं खो ना जाए इसलिए हम लेके आ गए इनको। आइए सर आगे, क्या कह रहे हैं बाबूजी, याददाश्त तो इनकी नहीं आपकी गई है। आगे आएंगे भैया, याददाश्त तो आपकी आपकी खोई थी और आप खोए थे। ये देखो ये यहाँ पे आए ये लोग याददाश्त आपकी खोई थी। बोले हाँ हाँ मैं तो कहीं और ही खो गया किसी और की आंखों में। बोले अरे